नमस्कार दर्शकों, मैं प्रतीक्षा यादव, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज 24। होली के त्योहार में हुड़दंग मचाने वालों के खिलाफ होगी कार्यवाही। आगामी त्योहारों को लेकर 28 मार्च को रंगों के त्योहार होली के दिन लोग आपसी सद्भावना के साथ अपने घर पर सुरक्षित रहें और घर पर ही रंग गुलाल का त्योहार मनाएं। इस दौरान किसी भी असामाजिक तत्व के द्वारा गड़बड़ी की गई या हुड़दंग मचाया गया और जुलूस निकाला गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह बात जतारा थाने में होली पर्व को लेकर आयोजित शांति समिति की बैठक के दौरान जतारा तहसीलदार अखिलेश प्रजापति एवं थाना प्रभारी हिमांशु चौबे ने कही है। उन्होंने यह भी कहा कि शासन के द्वारा स्पष्ट रूप से गाइडलाइन जारी की गई है कि कोविड-19 का समय है, ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति अपने घर पर ही सुरक्षित रहें और शासन के नियमों का पालन करते हुए होली का त्यौहार अपने घर पर ही मनाएं। इस दौरान उन्होंने नगर के लोगों से नगर में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। साथ ही बैठक में लोगों से कहा कि सूखे गुलाल का ही उपयोग करें, रंगों से बचें, क्योंकि रंगों में केमिकल रहता है जिसके लगाने से सेहत भी खराब होती है। अगर कोई व्यक्ति कानून व्यवस्था को तोड़ने का काम करता है तो उसके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कर उसे जेल भेजा जाएगा। क्या कहना रहेगा होली? आज ये दिनांक 28/3/21 को होली दहन कार्यक्रम और 29 व 30 को होली खेली जाएगी। उस संबंध में दिनांक 28 तारीख को रात में मुस्लिम धर्मावलंबियों द्वारा शबे बारात का कार्यक्रम है। उस संबंध में 2 तारीख को रंगपंचमी और गुड फ्राइडे के संबंध में सभी स्थानीय जतारा नगर के सम्भ्रांत नागरिक, तहसीलदार महोदय और मेरे द्वारा सभी त्यौहार शांति एवं भाईचारे से मनाने के संबंध में सुझाव प्राप्त किए गए, निर्देश दिए गए। कोविड की बीमारी के संक्रमण को रोकने हेतु सभी त्यौहारों को घर पर अधिकांश मनाने के लिए निर्देश दिए गए। कोई भी धारा 144 पूरे ज़िले में लागू है, अतः सभी को हिदायत दी गई कि बाहर ना निकलें और घर पर ही अपने त्यौहार मनाएं। सभी के सुझाव प्राप्त किए गए, नगर पंचायत MPB इनको सभी को निर्देश दिए गए साफ सफाई के लिए। होली का उत्सव आदमी बाहर निकलता होली रंग खेलते हुए, कोई शराब निकलता तो उसके साथ क्या दंड कार्रवाई? बाहर निकले मगर ग्रुप में ना निकलें, कोई आवश्यक काम हो, इक्का दुक्का यदि आदमी निकल के अपना कार्यक्रम कर रहे हैं या किसी के यहाँ जा रहे हैं तो उसके लिए प्रतिबंध नहीं है। सामूहिक रूप से यदि कोई कार्यक्रम हो रहा है तो उसके लिए मनाही है, सामूहिक रूप से कहीं ना जाएं। और शराब तो उस समय ड्राई डे रहेगा और पुलिस की व्यवस्था भी रहेगी, 3 पॉइंट लगाए जाएंगे, पेट्रोलिंग पार्टी भी रहेगी, शराबियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। जो भी शराब पिए पाया जाएगा उस उत्सव के दिन दिनांक में उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।